अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अजमी प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की कैलकुलेशंस लेकर। पाइसेस, आपके लिए मुझे कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भी कैलकुलेशंस करता हूँ मोस्टली चीज़ें लाइन अप हुई होती हैं, ऐसे जैसे गिफ्ट्स की लाइन। अल्लाह ताला का खुसूसी शुक्र अदा करें, बगैर मांगे ही वक्त की सपोर्ट बहार के अंदाज में आपको मुयस्सर है और रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। इस हफ्ते वीनस 2 मार्च को ऑन होगा, ये इट इज़ अ न्यू डेवलपमेंट, लेकिन आपके यहाँ वो 12वें घर में ऑन होने जा रहा है। तो 12वें घर में उसका मटेरियल एडवांटेज नहीं है, नॉन मटेरियल है। आपका फिक्र, आपका जिम्मेदारियाँ निभाने की तरफ तवज्जो, ख्वाबों की दुनिया में, फैंटसीज में रहना, इमेजिनेशंस में रहना, ये इस हफ्ते बढ़ेगा वीनस 12वें घर में इसी तरह की। और थोड़ा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की वजह भी बनेगा, जैसे राज जानने की कोशिश करना, जैसे अपने आप को पाने की कोशिश करना, जैसे ऐसे काम करने की कोशिश करना जिसमें सिर्फ सोच की सेटिस्फेक्शन हो, जिसमें सिर्फ प्लेजर ऑफ माइंड हो, ये इस वीनस के 12वें घर में होने से होगा। और ख्वाब भी सच्चे आएंगे, नेचर में भी लताफत पैदा होगी, कशिश भी पैदा होगी। जिन चीज़ों को आप थोड़ी सी दिन खुश रहकर, थोड़े से लम्हों के लिए इंजॉय करके हट जाते थे, अब उन लम्हों को, उन खुशियों को लंबे अरसे तक इंजॉय कर सकेंगे ये वीनस के 12वें घर में होने की वजह से। और इससे डीप थिंकिंग भी आएगी कि फ्यूचर प्लानिंग में वो आइडियाज़ जो इस हफ्ते पैदा होंगे वो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इस हफ्ते के आइडियाज़ को वेस्ट मत होने दीजिए। जो क्रिएटिव लोग हैं वो ये एक रूल के तहत काम करते हैं, जब उन्हें कोई आमद होती है तो लिख लेते हैं, चाहे वो शायर हों, चाहे वो अदीब हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों, जब उन्हें जहन में कोई मजमून उतरता है तो वो लिख लेते हैं। वो मजमून जो उतरता है वो 12वें घर में मुस्बत सितारों के पैदा होने से अमूमी तौर पर उतरा करता है। तो वीनस के लिए ये सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। अगर ख्वाब में कोई आइडिया आए, अगर वैसे ही ज़रा सी आंखें बंद करने से कोई आइडिया आए, कोई नया मजमून उतरे, कोई ज़िंदगी में या गुफ्तगू में नया लफ्ज़ ही सुनने को मिल जाए जिसको बड़े अरसे तक यूज़ ना किया हो, तो वो भी एक आइडिया है, उसे भी यूज़ किया करें, वो भी आपके लिए एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा। सो वीनस इज़ इन योर 12th हाउस एंड इट इज़ पॉजिटिव। जुपिटर 10वें घर में लंबे अरसे तक के लिए, कैरियर हाउस, खुशबख्ती का सितारा कैरियर हाउस में, तो आप अंदाज़ा लगाएं क्या हो सकता है। पाइसेस, जो अभी अपनी तालीम से फारग हुए हैं, वो अपने कैरियर के लिए इस हफ्ते कोशिशें तेज़ कर दें। अगले हफ्ते तक, अगले 10-12 दिन में उन्हें अचीवमेंट हो जाना चाहिए, रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी यही बता रही। और जो अचीवमेंट इस हफ्ते और अगले हफ्ते करेंगे वो चलेंगी भी लंबी, 7 साल तक के लिए स्मूथ सिल्की पाथ मिलेगा। छोटे छोटे पैचेस तो आएंगे, कभी मरकरी रेट्रो होगा, कभी मून इन स्कॉर्पियो होगा, कभी कुछ छोटा छोटा, लेकिन दौर लंबा चलता है। पूरे छोटे छोटे दौर को फेस करने की सलाहियत आप में होनी चाहिए। अगर आप खुद उन सिचुएशंस को कंट्रोल कर जाएं तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक्वामेरिन ज़रूर पहने या टर्मलिन ज़रूर पहने। ये वो आर्टिफिशियल वेपन्स हैं, ये वो टूल्स हैं जो आपको नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप से बचाए रखते हैं, वक्त की शिद्दत से, वक्त की मनफी असरात से बचाए रखते हैं। तो ये आपका एक पहनावा नहीं है कि आप सिर्फ इसको एक खुशी के लिए पहनते हैं या एक ज्वेलरी के तौर पर पहनते हैं, दिस इज़ योर प्रोटेक्शन शील्ड आल्सो बाय रूल्स ऑफ जिमोलॉजी, अ कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग। जिमोलॉजी एक पूरा तर्ज इलाज है। सो जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो इस बात से मुत्तफिक भी हैं, जो नहीं मुत्तफिक वो कोशिश करके दे, एक्सपीरियंस करके देख लें, या एक्सपीरियंस्ड लोगों से बातचीत करके देख लें, आपको वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। अगली खबर, आपकी मरकरी अच्छा नहीं है, पहले भी घर में मरकरी भी आपके लिए अगले कुछ दिनों के लिए नेगेटिव है। सो ये आपको थोड़ा सा उलझाएगा ज़रूर, और इसकी उलझन ज़्यादातर कानूनी सेक्टर में होगी, ज़्यादातर सीखने के सेक्टर में होगी, मेमोरीज़ को पॉजिटिव रखने में होगी। सो वो फिक्र जो वीनस की वजह से पॉजिटिव हो रही है उसे मरकरी किसी तरह गम में ना बदल दे, इसलिए एंग्जाइटी से बचें, ज़्यादा गहरी सोच से बचें, तो थोड़ा सा मोहतात रहिए। मरकरी के बारे में हमने काफ़ी बयान कर दिया, जब आपने एक्वामेरिन पहना होगा, सूर्य बकरा की आखिरी आयत पढ़ रहे होंगे, तो मरकरी बैलेंस हो जाएगा अगले हफ्ते से, वरना ये शिद्दत में जाएगा, रेट्रोग्रेड होगा, रुज्जत में जाएगा, 40 दिन तक रहेगा, 35-40 दिन। तो उसको रिकवर करने के लिए जो रेमेडी इस वक्त ग्राउंड पर है और जो बड़ी इफेक्टिव है, जिसका फीडबैक बड़ा अच्छा आ रहा है, वो आपका बर्थ स्टोन, दैट इज़ एक्वामेरिन और टर्मलिन और सूर्य बकरा की आखिरी आयत, रिकवर हो जाएगी। तालिब इलम पाइसिस,
अपनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज से इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स करें। एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना आपके लिए आपके तसलसल को टूटने नहीं देगा, आपके रिवॉर्ड्स को कम नहीं होने देगा। इसी तरह जो ऐसे लोग हैं जो साइकोलॉजिकली थोड़े वीक हैं और वो पाइसेस भी हैं, वो अपनी कोई मेडिकेशन अगर जारी रखे हुए थे तो उसको मोहतात तरह से आगे लेकर बढ़ें, उसमें कमज़ोरी ना करें, सुस्ती ना करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली सिचुएशन से आपका ये हफ़्ता बहुत अच्छा गुजरेगा। अगले हफ्ते यूरेनस घर बदलेगा, बड़ी न्यूज़ है, उसको और तफसील से बयान करूँगा और वो तफसीली खबरें जो हैं वो आपके कैरियर पर और आपकी निजी लाइफ पर बड़ा इफ़ेक्ट डालेगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कृपा।